पंजाब च खोलनी थी नवी इंडस्ट्री यानी कि किडनैपिंग इंडस्ट्री, पर खन्ना पुलिस ने पहले ही करता पर्दाफाश। विदेश बैठे गैंगस्टर कंग दे साथियों नु कर लिया है गिरफ्तार। ते होए ने वड्डे खुलासे क्योंकि पंजाब च किडनैपिंग दा नवा धंधा करन जा रहे सी, यानी कि वड्डे वड्डे लोकां दी करनी सी किडनैपिंग ते लैणे सी उहनां कोलों पैसे, पर पुलिस ने पहले ही ले ली कामयाबी। एक महिला आईपीएस अफसर की मेहनत की बदौलत इस एक वड्डे गैंग का पर्दाफाश होया, इन्हों गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार की है पूरा मामला तुहानू दिखाने। दैनिक भेल पंजाबी टीवी दे लई अमन तगड़ी रिपोर्ट। हुण तुसीं सुनो इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं SSP अमनीत कौंडल। रमनदीप सिंह, SHO सदर हरदीप सिंह, साड़ी टेक्निकल टीम और साड़े नाके ते जड़े स्पेशल यूनिट जिवें जगजीवन राम सब इंस्पैक्टर, इन्हां सारिआं ने मिल के एक बड़ी वड्डी खन्ना पुलिस नूं सफलता च दवाई है, जिहदे च असीं एक इंटरनेशनल मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिहड़े अपने पंजाब च पंजाब और लोकल आउटसाइड स्टेट्स ऑलसो उत्थे फुट सोल्जर्स नूं यूज़ करके इन्हां दा प्लान सीगा कि कुछ लोकां नूं किडनैप करके उन्हां तो वड्डी फिरौती मंगनी सी। और असी क्योंकि टाइमली इन्हां दा मॉड्यूल बस्ट करके प्रीएम्प्ट कीता, जिस दे नाल बहुत ही सेंसेशनल कोई जड़े क्राइम होने सी ओ उन्हां दा बचाव हो गया। इहदी डिटेल च मैं ये दसना चाहवांगी कि 26 फरवरी नूं साडी नाका पार्टी अलौड़ पिंड दे कोल दो मुंडे असी अरेस्ट कीते सी, जिन्हां दे इक दा नाम हैगा दविंदर सिंह उर्फ बंटी, दूजे का नाँ है करणजोत सिंह उर्फ नोना। ये दोनों अमृतसर शहर नूं बिलोंग करते। इन्हां तो सानू 4 देसी पिस्तौल 32 बोर समेत 4 मैगजीन्स रिकवर होए सीगे, ते असी आर्म्स एक्ट दे तहत FIR नंबर 44 अंडर 25 54 59 आर्म्स एक्ट दर्ज किया सी सदर थाने च, ते तफ्तीश अगे चलाई सीगी। दौराने तफ्तीश सानू इन्हां दोषियों की पुछगिछ तो पता लग्या कि इन्हां दा कॉन्टैक्ट एक विदेश बैठा लवजीत कंग, जो ओरिजिनली जलंधर नू बिलोंग करता है ते इस टाइम अमेरिका बैठा गैंगस्टर है, इन्हां नाल है। जिहड़े लवजीत कंग है ये जिहड़े पंजाब दे मुंडे है, इन्हां नू टारगेट दिंदा सीगा, जो इन्हां दी पुछगिछ च पता लग्या कि इन्हां नू वक्ख वक्ख टारगेट दे के अगवा करन दा प्लान सीगा, ते उस तो बाद इन्हां ने करोड़ां दी फरौती मंगनी सीगी, जो साड़ी टीम ने इन्हां नूं टाइमली प्रीएम्प्ट करके टाइम काबू कर लिया और ये बड़ी वड्डी वारदात होण तो बच गई हैं। फरदर असी पुछगिछ च एक होर मुजरम नूं अरैसट किया, जिहदा नाम कोहिनूर सिंह है उर्फ टीटू अते हरप्रीत सिंह उर्फ हनी। इन्हां तो इन्हां नूं नामजद किया गया, तो 27 फरवरी नूं सानू जिहड़ा कोहिनूर है इस तो एक देसी पिस्तल 32 बोर समेत 1 मैगजीन और 3 लाइव राउंडस बरामद होए, ते अगे ले जांदे हुए साड़ी तफ्तीश च 2 मार्च नूं सानू एक होर असी इहदे च नॉमीनेट किया मुलजम, जिहदा नाम बलकरण सिंह है, ये भी अमृतसर नूं बिलोंग करदा। ते 4 फरवरी नूं सानू 6वां जिहड़ा अक्यूज्ड है कमलजीत सिंह उर्फ कैम, इहनूं कपूरथले तो काबू किया गया, ते इस तों 4 देसी पिस्टल्स 32 बोर समेत 6 मैगजीन्स बरामद होए। तो 7 मार्च नूं सानू बलकरण सिंह तो दो देसी कट्टे 315 बोर बरामद होए है, और फाइनली अज 9 मार्च नूं सानू कोहिनूर तो फरदर 2 पिस्टल 32 बोर और 2 मैगजीन्स बरामद होए है। सो कुल मिला के जिहड़े 6 दोषी असी गिरफ़्तार किए, इन्हां ने कई वड्डियां वारदातों नूं अंजाम देना सी, जो मैं पहला भी किया कि असी इन्हां नूं प्रीएम्प्ट करके बहुत वड्डी सफलता कायम कीती है। और जिहड़ा विदेश बैठे गैंगस्टर है, इन्हां दे कहण अनुसार इन्हां ने पंजाब च जिहड़े टारगेट करने सी किडनैपिंग ते वड्डी फिरौती मंगनी सी, ते मे बी कुछ होर भी इन्हां दे टारगेट्स हुंदे, ओह हुण असीं दौराने तफ्तीश चैक करांगे। सो इस केस च सानू जिहड़ी रिकवरी होई है दैट इंक्लूड्स 11 पिस्टल 32 बोर इंक्लूडिंग 3 लाइव राउंडस एंड 13 मैगजीन्स, 2 देसी कट्टे, एक मोटरसाइकिल प्लैटिना जिहड़ी क्राइम च यूज़ होई सी, और एक होर एक्टिवा व्हीकल भी बरामद होई है। तो जिहड़े 7 दोषी है इन्हां चों 3 अमृतसर शहर नूं बिलोंग करदे, 2 लुधियाने नूं, 1 कपूरथला, और एक जिहड़ा इन्हां दा मास्टरमाइंड है ओह लवजीत कंग USA है, वैसे जलंधर नूं बिलोंग करदा। सो हुण असीं अगे चैक करांगे कि इन्हां दा होर की टारगेट सीगे ते होर की फर्दर प्लानिंग सीगी। और मैं एक दसना चाहवांगी कि जिहड़ा लवजीत कंग है इहदे ते सिमिलर फिरौती मंगण दा मुकदमा FIR नंबर 3 27 जनवरी 2023 इसे साल कपूरथला ज़िले च भी लॉज होया। सो
ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 384, 385 ਔਰ 386 IPC ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰਮਸ ਰਿਕਵਰੀ ਫਰਦਰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਔਰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੇਨਲੀ ਲਵਜੀਤ ਕੰਗ ਹੀ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ? ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਬੋਇਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ 19 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਆ ਵੈਰੀ ਯੰਗ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ? ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਐਜ ਸੱਚ ਨੋਟ ਵਨ ਕਨ ਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਵਜੀਤ ਕੰਗ US ਬੈਠਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਵਾਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਊਂਡ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੀ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ। ਸੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਹੀ 4 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ।